तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप Redmi एंड Poco के डिवाइस में AOD यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप Redmi एंड Poco का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो गाइस आप वीडियो को शुरू से इन तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस अब आ गए फोन के स्क्रीन पे। अब आपको बता हैं कि आप AOD यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस यहां पे एक ऐप है जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गाइस ये ऐप्स आपको कहां से डाउनलोड करना है ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। गाइस उससे पहले हम बात करते हैं कि गाइस आप यहां पे AOD यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस वो ऐप को ओपन करना, उसके बाद गाइस यहां पे आपको वॉच पे क्लिक करना है। वॉच पे क्लिक करने के बाद गाइस आप यहां पे देख सकते हैं कि बहुत सारा यहां पे वॉच यानी कि डिफरेंट स्टाइल का यहां पे आपको दिख रहा होगा। तो गाइस इसे यहां पे आपको कैसे इनेबल करना है सारे को वो एक एक करके हम बात करेंगे। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाले वॉच के बारे में। तो गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस ये सेव हो गया। अब आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेव हो गया है। तो गाइस एक ये हो गया आपको फीचर्स, उसके बाद गाइस आप दिखाते हैं कि आप दूसरे को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस फिर से आपको यहाँ पे वॉच पे क्लिक करना है, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे जो सा भी सेट करना है, मान के चलो ये वाला सेट करना है, तो गाइस आपको इस पर क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे लॉक लगाते हैं, उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेट हो गया। उसके बाद गाइस अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो गाइस ये है आपको बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिख जाता है, तो गाइस आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये वाले को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सेव पे क्लिक करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे लॉक लगाते हैं, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे दिखाते हैं ये बैकग्राउंड सेव हो गया है। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर्स है वो गाइस यहाँ पे आपको स्टिकर में आता है। स्टिकर भी चाहे तो गाइस आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर गाइस चलो मैं यहाँ पे ये वाले को सेव करता हूँ, उसके बाद गाइस यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद गाइस फिर से यहाँ पे फ़ोन को लॉक करते हैं, उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेव हो गया है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारा इस ऐप में आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट फीचर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे गाइस आपको एक फ्रंट स्टाइल का भी ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फॉन्ट है, तो गाइज इसे भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेट स्टाइल का भी, तो गाइज आप इस पर क्लिक करके आप डेट का जो स्टाइल है उसे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एक नीचे में ऑप्शन दिख रहा होगा EDGE लाइट, तो गाइज आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे EDGE लाइट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर गाइज यहाँ पे ऑलवेज ऑन पे क्लिक कर देना है। तो गाइज इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे लॉक लगाना है अपने डिवाइस का। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि कुछ इस तरीका का यहाँ पे जो EDGE लाइट है वो वर्क कर रहा है। तो गाइज कुछ इस तरीका से आप भी अपने डिवाइस पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अब यहाँ पे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। वो गाइज को यहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पे एक ब्राइटनेस लेवल का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक के गाइज आपको यहाँ पे ब्राइटनेस अगर आप यहाँ पे घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो गाइज इससे आप यहाँ पे ब्राइटनेस भी घटा सकते हैं। यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ रहता है, उसके बाद जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो दिखता है, डिस्प्ले का जो फीचर्स दिखता है, तो गाइज इसके लाइट को आप वहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। तो गाइज वहाँ से आप ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो गाइज ये कुछ सारे फीचर्स है जो कि आपको ये ऐप्स में देखने के लिए मिल जाता है। आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यानी कि पूरा फील दिलाएगा गाइज अगर आप इसे इंस्टॉल करके अगर आप इसे यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं कि ये ऐप को आप कहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज ये ऐप का नाम है आपको AOA, उसे जाके आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर सर्च करना। ये आप देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पे प्ले स्टोर पे ऐप ये है, उसके बाद मैंने यहाँ डाउनलोड कर रखा है तो इसी वजह से यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दे रहा है। तो गाइज यहाँ पे जैसे ही ओपन करते हैं तो गाइज ये आ जाता है, खुल जाता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो गाइज फिलहाल में अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।